जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुनस्यारी के ट्रिप पे ही मैंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट ईयर मैं लोहा घाट जरूर जाऊंगी, तो मैंने ये प्रॉमिस भी फुलफिल करी। ये अलग बात है कि जब मैंने अगले साल ये डेस्टिनेशन अपनी फैमिली को सुझाया तो कोई भी एंथुसियास्टिक था नहीं वहाँ जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर माई डियर मीरा मौसी। पर मुझे ना अपनी कन्विंसिंग पावर पे बहुत भरोसा है, मुझे मालूम था मैं कन्विंस कर ही लूंगी। OMG, मैं कितना एरोगेंट साउंड कर रही हूँ ना, पर ये सच है। अगर मैं किसी चीज का दिल बना लेती हूँ तो वो काम मुझसे हो ही जाता है। तो लोहा घाट पहुँचने के लिए एक बार फिर से हम मेरी नीली इयॉन में टिक टॉक करते हुए चल पड़े सुबह 5 बजे, ऐसा हमने सोचा था। हालांकि निकलते निकलते हमें 6:30 बज ही जाता है। एनीवे, टारगेट हमारा था कि शाम 4 बजे तक हम लोहा घाट जरूर पहुंच जाएंगे। मैं हूँ वीरा और मेरे पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से लोहा घाट की जर्नी। देखिए, टारगेट तो हमारा शाम को 4 बजे तक पहुंचने का था, पर हाईवे का जैसे मैंने बताया रूल अलग ही होता है। चूंकि आपको ये नहीं पता होता है कि कब कहाँ क्या सिनेरियो मिलेगा आपको, तो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। इस बार टनकपुर से लेकर के चंपावत तक रोड्स चौड़े किए जा रहे थे। अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन अगर हमारे पहुंचने के हिसाब से सोचे तो ये काम बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि टनकपुर से चंपावत तक जो पहुंचने का रास्ता था वो इतना हिचकोले वाला था, वो इतना खड़ंजे वाला था कि हमारी तो सारी हड्डियां लगा स्केलेटन से बाहर ही आने वाली हैं। इस बार तो ये अपना स्ट्रक्चर छोड़ ही देंगे। जैसे जैसे हम चंपावत के पास आने लगे और फाइनल कर्व पे पहुंचे, हमारा दिल खुश हो गया कि फाइनली चलो चंपावत तो पहुंच ही रहे हैं, इसके बाद लोहा घाट कितनी दूर रह जाएगा। पर यहाँ भी ट्विस्ट था, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चंपावत से लोहा घाट का भी रास्ता बन रहा था, इसलिए हमें डाइवर्ट कर दिया गया एक रिमोट से विलेज में। तो चंपावत जो मात्र 1 किलोमीटर रह गया था, अब वो हमसे 15 किलोमीटर दूर चला गया था। या हम उससे 15 किलोमीटर दूर जा रहे थे। शाम के 6 बज चुके थे, चाय का टाइम भी हो चुका था। अब हमारी तलाश शुरू हुई एक अच्छे ढाबे की जहाँ हमें हमारे मन मुताबिक चाय मिल सके। पर चूंकि ये रिमोट विलेज था, रिमोट रास्ता था, इसलिए इस रास्ते में ढाबे भी इक्का दुक्का ही थे, और जो थे भी वो ज्यादातर बंद थे। काफी आगे चलने के बाद एक ढाबा हमें खुला हुआ नजर आया, तो भाई मैंने गाड़ी फट से वहीं रोक दी और हम सब उछल के गाड़ी के बाहर आ गए और हमने कुर्सियां बाहर मंगा करके वहीं पे अपना कैंप जमा लिया। पाउडर वाली चाय, कम चीनी, ढेर सारी पत्ती, ये सब कुछ उस चाय में था। लेकिन हमारा मन उस वक्त चाय पे नहीं, हमारा मन उस वक्त सराउंडिंग्स में लगा हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये बहुत हरा भरा है और पूरे पहाड़ों पर खेती खेत थे जो दूर से देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। हल्की फुल्की रिमझिम बरसात भी हो रही थी जिसकी वजह से हवा भी ठंडी हो गई थी, तो माहौल जैसे हमें ग्रीट कर रहा था चंपावत पहुंचने से पहले। मूड फ्रेश हो गया था और चाय ने भी हमारा मूड ठीक ठाक ही रखा। बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन काम चलाओ जरूर थी। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि वो चाय वाला थोड़ा सा दुष्ट निकला, उसने हमसे 6 कप चाय के बजाय 10 कप चाय का पैसा ले लिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम तो कहते हैं कि ये पहाड़ी लोग बहुत ही इनोसेंट होते हैं, पर लगता है शहरी लोगों का इन्फ्लुएंस इन पर पड़ता ही जा रहा है, इसीलिए इनकी इनोसेंस भी धीरे धीरे छूमंतर हो रही है। ये सारी बात हमें तब रियलाइज हुई जब हम उस ढाबे को छोड़कर 5 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे, तो पीछे पलट के 4 चाय के पैसे वापस लेने का तो कोई हिसाब बनता नहीं था, इसलिए आगे बढ़ना ही हमारा बेस्ट ऑप्शन था। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास हम लोहा घाट में एंटर करी गए, जहाँ पे हमें एक ठीक ठाक सा होटल दिखाई पड़ा। पर एक बात बताऊं, वहाँ का जो मैनेजर था वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था, काफी एरोगेंट था। इतना एरोगेंट कि बाद में मुझे उसे कूल वे में समझाना ही पड़ा कि भाई साहब, आप यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं,
अगर आप अपना मूड खराब करेंगे और अपने कस्टमर्स को ऐसी डील करेंगे तो ये होटल तो आपका बंद हो जाएगा। आफ्टर ऑल आपको पैसे कमाने हैं ना। जब मैंने उसे इतना ज्ञान बांट दिया तब जाकर के उसका मूड थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। खैर लोहाघाट पहुंचने के बाद एक और हर्डल का सामना हमें करना था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी क्योंकि वो काफी कमजोर हो गई थी और पहाड़ी रास्तों पर उन्हें काफी वॉमिटिंग होती थी। तो किसी तरह से हमने होटल में चेक इन करने के बाद उन्हें नहलाने धुलाने के बाद साफ सुथरा करने के बाद उनके कपड़ों को धो करके टांगने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब तो टाइम हो गया है एक अच्छे डिनर का। और यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि शायद मेरी डांट सुन करके वो मैनेजर सुधर गया था। उसने हमें पर्सनली अटेंड किया डिनर के लिए। अगले दिन हम 200 मीटर दूरी पर लोहाघाट टूरिस्ट लॉज में शिफ्ट हो गए। ये जगह हमारे मन के बिल्कुल मुताबिक थी। एक तो टूरिस्ट लॉजेस जो होते हैं ना वो बहुत ही वेल प्लेस्ड होते हैं, और दूसरी बात पहाड़ी जितने भी टूरिस्ट लॉजेस होते हैं उनपे खाना बहुत अमेजिंग मिलता है। तो जब हम टूरिस्ट लॉज में चेक इन कर चुके तब हमने देखा कि वहाँ पे सामने बहुत बड़ा सा गार्डन है और आगे जाकर एक वुडन प्लेटफॉर्म है जो अगले 6 दिनों तक हमारी शाम की चाय का वेन्यू बनने वाला था। वहीं बैठकर हम लूडो भी खेलने वाले थे, वहीं सामने गार्डन में बैडमिंटन भी होने वाला था और वहीं हर शाम को फ्रेंच फ्राइज पकौड़ीज और कॉफी का आनंद भी लिया जाने वाला था। लोहाघाट एक्चुअली बहुत ही छोटी सी जगह है, पर जिस जगह हम रुके थे वहां से सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे थे और पेड़ों के झुरमुर से झांकता हुआ सूरज जब सुबह सुबह हमें गुड मॉर्निंग कहने के लिए आया ना तो तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। हमारे टूरिस्ट लॉज की एक और खास बात थी कि यहाँ पर डाइनिंग हॉल के ठीक बाहर एक कैरम बोर्ड भी रखा हुआ था जिस पर लंच और डिनर सर्व करने के बाद वहाँ के वर्कर्स अपना हाथ साफ करते थे, और जब वो हाथ साफ कर लेते थे तो थोड़े से दांव पेच हम भी उस पे इस्तेमाल करते थे। अगले 6 दिन हमारी लाइफ में बहुत खुशनुमा होने वाले थे। और मैं कहती ही हूँ कि जो बेस्ट जर्नीज होती हैं वो अनप्लान्ड वाली जर्नीज ज्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि इसमें सरप्राइज हमेशा आपकी लाइफ में आता रहता है। अच्छा एक बात बताइए, हमें सरप्राइजेस की जरूरत है क्यों लाइफ में? वो इसलिए क्योंकि हम जब अपनी जिंदगी को एक रूटीन में जीना शुरू कर देते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाते हैं, और वो मोनोटोनी तभी ब्रेक होती है जब हमारी लाइफ में एक डाइवर्जन आता है। और ट्रैवलिंग और हर्डल्स ये वो डाइवर्जन्स हैं जो आपकी लाइफ में थ्रिल एलिमेंट को ऐड करते हैं। अब देखिए ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडियन रोड्स आर मोर फन मोर चैलेंजिंग। क्यों? वो इसलिए कि आप विदेश जाइए या आप कहीं और सिस्टमैटिक एरिया में जाइए, रोड इतनी स्मूथ होती है कि आप ड्राइव करते जाइए कोई हर्डल आती ही नहीं है। तो एक सर्टन पॉइंट के बाद आपको नींद आने लगती है ड्राइव करते हुए, लेकिन यहाँ पे जब कहीं गड्ढा आता है, अचानक से कोई मवेशी आपकी कार के सामने आ जाता है, अचानक से कोई गाड़ी यूं ही मोड़ देता है, तो आप अपनी नींद से जग जाते हैं और फिर आप अलर्ट हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही ट्विस्टेड सा आर्ग्यूमेंट है, पर मेरे लिए ये वर्क करता है। मुझे लगता है इस तरह के चैलेंजेस से आप हमेशा अलर्ट रहते हैं। जैसे मैं भी टनकपुर से लोहाघाट तक ड्राइव करते वक्त सुपर अलर्ट फॉर्म में रही थी। तो आइए अब मैं आपको एक एक करके वो 3 हाई पॉइंट्स भी ले चलती हूँ जो लोहाघाट के बहुत ही फेमस पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हाई पॉइंट है यहाँ पे माउंट एबट पॉइंट। वैसे मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगता था कि यहाँ से सनसेट या सनराइज बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मैं चली गई। पर जब मैं वहाँ पहुंची तब मुझे पता चला कि ये बहुत ही सिनिस्टर प्लेस है। यहाँ पर एक चर्च है जहाँ पर एक प्रीस्ट आत्माएं बुलाया करते थे। वो आत्माएं आज भी उस चर्च के आसपास टहलती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अगले दिन सुबह 5 बजे जब मैं, मीरा मौसी, वसु और आदि हम सब अपनी कार में सुबह सुबह एबट माउंट गए, तो हमने सबसे पहले जाकर उस चर्च के ही चक्कर लगाए। हमें लगा शायद कोई भूत हमें मिल जाएगा, पर भूत तो नहीं मिला,
एक सिनिस्टर सी फीलिंग जरूर आई। तो 15-20 फोटोज खींचने के बाद, उस चर्च का सर्कल लगाने के बाद, भाई हम वापस उस जगह आ गए जहाँ ढेर सारे कमरे बैक टू बैक बने हुए थे। उस वक्त तक ये आम जनता के लिए खुले नहीं हुए थे, लेकिन हमें बताया गया कि अगले आने वाले साल में ये आम जनता के ठहरने के लिए खोल दिए जाएंगे। I just thought कि कभी मैं लोहागढ़ दोबारा गई तो इस बार मैं माउंट एबट पे जरूर रुकूंगी। क्या पता रात को किसी स्पिरिट से मुलाकात भी हो जाए। जब मैं सुबह सुबह गई और सनराइज मैंने देख लिया, तब फिर दिल में एक इच्छा हुई कि सनराइज को देखते हुए हरी घास पर नम ओस को छूते हुए एक चाय हो जाए। यहीं पे कैच है भाई, ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, ये अपने आराम और अपनी रफ्तार से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा ठेले वाला था जरूर चाय का, जिसका घर भी सामने ही था। मैं उसके घर पे गई और मैंने उसके हाथ पैर जोड़े कि भैया एक चाय पिला दो तो मजा आ जाएगा। पर उस बंदे ने मेरे लाख हाथ पैर जोड़ने के बावजूद अपनी नींद और अपने आराम को टाटा बाय बाय करने का फैसला नहीं लिया और हमको बिना चाय पिए हुए ही माउंट एबट से यूं ही वापस आना पड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम नीचे उतर के आए तो हमें हाईवे पे एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट दिखाई पड़ा, जहाँ हमने फिर से एक बार अपनी कुर्सियां बाहर डलवाई और खिली हुई धूप में एक कप चाय का फुल ऑन मजा लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मीरा मौसी के बारे में एक बहुत मजेदार बात बताऊंगी। मीरा मौसी इज रियल फन, यू नो, उनके साथ जब भी जाओ ना बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनके पास हर चीज से रिलेटेड किस्से कहानियां होते हैं। आप उनसे कुछ भी कहिए, उससे जुड़ी हुई एक कहानी उनके पास तैयार होती है। तो जब हम माउंट एबट में उस चर्च के चक्कर लगा रहे थे और भूत प्रेतों के बारे में बातें कर रहे थे, तो मीरा मौसी ने भूत प्रेतों के भी किस्से सुनाने शुरू कर दिए। भाई मैं तो डर कर उनका हाथ पकड़ कर उन्हें उस चर्च से काफी दूर तक ले आई। मैंने कहा, मीरा मौसी, सुबह हो या शाम, भूत प्रेत के किस्से तो बिल्कुल मत सुनाइए, मुझे तो डर लगता है। शाम 3 बजे के आसपास मेरा भाई भी फॉर्म में आ चुका था और मेरी माँ भी, तो हमने फैसला किया कि अब हम मायावती आश्रम जाएंगे। लोहाघाट से सिर्फ 9 किलोमीटर आगे है और मायावती आश्रम जो है उसे अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर से जो स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं वो इस आश्रम में आते हैं और यहीं पे एक पुराना टी स्टेट भी है। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जब 1898 में अल्मोड़ा आए तो वो इस एरिया में भी आए और उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध भारत नाम की जो उनकी मैगजीन है उसका पब्लिकेशन अब मद्रास की जगह मायावती आश्रम से ही होगा। तब से लेकर आज तक ये जगह अपने आप में बहुत स्पेशल हो गई है। यहाँ एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी है और एक छोटा सा म्यूजियम भी है, प्लस ढेर सारे फूल भी हैं और बहुत ही सुंदर बगीचा है। हमने मायावती आश्रम में काफी टाइम गुजारा और काफी पिक्चर्स भी क्लिक करी। अगला दिन था पंचेश्वर जाने का। पंचेश्वर एक डैम है जो कि शारदा नदी पर बना हुआ है। नेपाल में इस नदी को महाकाली के नाम से जाना जाता है। टू बी प्रिसाइज, ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। अच्छा, तब तक मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर आने वाला है। अचानक से एक छोटी सी चौकी आई और वहाँ के सिपाहियों ने हमें रोक दिया और उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आप नेपाल में एंटर कर जाएंगे। खैर, मैंने उनसे बहुत ही पोलाइटली पंचेश्वर डैम का रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें गाइड कर दिया। अच्छे आमी वाले थे, हमने उन्हें ठंडा पानी भी पिलाया और फ्लास्क में जो चाय हम साथ में लेके चले थे वो चाय भी हमने उन्हें ऑफर करी, तो वो और खुश हो गए। पर हमारे लिए वो दिन ज्यादा खुशी का था नहीं, क्योंकि जब हम आगे बढ़े तो कहीं भी हमें पंचेश्वर का माइलस्टोन नहीं मिला। हमें समझ ही में नहीं आ रहा था कि पंचेश्वर डैम है कहाँ। काफी दूर तक गाड़ी चला चला कर जब मैं थक गई तो मैंने एक आदमी से पूछा कि भैया पंचेश्वर डैम कितनी दूर है। उसने कहा, बस ये सड़क जहाँ खत्म होगी आप दाईं ओर देखिएगा आपको नदी दिख जाएगी,
डैम वही बना हुआ है। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे नदी दिखाई पड़ने लगी, तो मैंने गाड़ी रोकी और हम सब उतर करके नीचे गए। पता चला यहाँ तो कोई डैम नहीं था। मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हुई। मुझे लगा इतनी धूप में पसीना बहाते हुए पहाड़ी गर्मी को सहन करने के बाद पंचेश्वर डैम ही नहीं देख पाए हम। बड़े भारी मन से मैंने अपनी कार मोड़ी और हम वापस आने लगे। रास्ते में हमने देखा कि एक कार हमें बाईपास कर रही है, जिसमें सब लोग भीगे हुए बैठे हैं। तो मैंने जल्दी से कार को आगे बढ़ाया और उन्हें ओवरटेक करके उन्हें रोका और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतना भीगे हुए क्यों हैं? तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हम तो पंचेश्वर डैम में नहा के आ रहे हैं। क्या हम यहाँ धूप में पसीने में नहा रहे हैं और वो पंचेश्वर डैम के पास नहा के आ रहे थे? पर तब तक ना ड्राइव करते करते हिम्मत जवाब दे चुकी थी, इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली पंचेश्वर डैम पलट के जा नहीं पाए और हम वापस लोहा घाट की ओर लौटने लगे। अच्छा, जैसे ही आप लोहा घाट एंटर करते हैं ना, एक दाएं हाथ पे बहुत ही पुराना मंदिर भी है, बिल्कुल नदी के किनारे पे मुहारे पे बना हुआ है। बहुत शांत जगह है और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप आराम से बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर काफी पुराना है और यहाँ की वाइब्स भी काफी अच्छी है। तो जब हम लौट रहे थे तो हमने अपने दिल को ठंडा करने के लिए उस मंदिर में बैठकर थोड़ी देर चैन की सांस ली और फिर हम वापस अपने टूरिस्ट लॉज आ गए। अगले 2 दिन हमने अपने टूरिस्ट लॉज में ही बिताए, जहाँ पे हम सिर्फ खाते थे, कैरम खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, शाम को सनसेट देखते थे, ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाते थे और जम करके गप्पे मारते थे। ऐसे थे मेरे लोहा घाट के दिन। भाई, इस ट्रिप का परफेक्ट कप्पा तो मुझे अपने टूरिस्ट लॉज में ही मिल गया था, इसलिए मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे लोहा घाट का जो टूरिस्ट लॉज है ना, ये भी अपने आप में एक हेरिटेज एरिया है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप बार बार नैनीताल, भीमताल, कौसानी उस वाली रेंज की ओर जाते हैं, तो इस बार पलट करके आप टनकपुर वाले रूट को अपनाइए और चंपावत, लोहा घाट, मुनस्यारी इस रूट के बारे में सोचिए। ये थोड़ा अनटच्ड है, इस रूट पे हरियाली भी काफी है और इस रूट के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और अब तो रास्ता भी सुंदर हो चुका है। तो प्लान बनाइए और वीरा को इजाजत दीजिए अपने अगले पॉडकास्ट की तैयारी करने के लिए। मेरी दुनिया विद वीरा में आज तो मैंने आपको लोहा घाट की सैर करवाई, पर तैयार रहिए, मेरा अगला पॉडकास्ट एक बहुत ही लंबी जर्नी का होने वाला है। वो जर्नी जो एक बार फिर से मैंने अपनी ड्राइविंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ली और मैंने फिर से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जो आसान नहीं था। मैं आपको ले जाऊंगी यमुनोत्री और गंगोत्री की ओर। तो अब मैं चलती हूँ और आपसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, कभी ना कभी लाइफ में एक जर्नी बिना प्लानिंग के करके देखिए, मजा ही मजा आता है। तो अगली बार मिलने तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करिए।